बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। रांची में भी इस दिन तो क्या इससे एक पखवाड़े पहले से ही कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो परिवार स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी होता है। बावजूद इसके जब हम आपको कहें कि राजधानी में ही लक्ष्य का 15% नसबंदी और मात्र 2% बंध्याकरण हुआ है तो आप क्या कहेंगे? नामकुम सीएचसी में 20 पुरुषों की नसबंदी हुई है। इसके अलावा रातू सीएचसी में एक ही नसबंदी हुई है। महिला बंध्याकरण की बात करें तो सीएचसी में अनगड़ा में 13, काके में 20, नामकुम में 18 और रातू में 24 ऑपरेशन हुए हैं, जो कि नाकाफी है। परमानेंट मेथड है परिवार नियोजन का, उसमें महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी, ये दोनों परमानेंट तरीका है। लेकिन पुरुष जो है इसमें रेशियो करीब करीब जो है 95% और 5% का रेशियो है। पुरुष जो है बहुत कम आते हैं नसबंदी करवाने के लिए, जिसको नो स्कैल्पल वासेक्टमी बोलते हैं। उसका कारण है कि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं पुरुषों के मन में, बहुत तरह का मिथ्स है कि परिवार नियोजन अगर पुरुष नसबंदी हम करवाएंगे तो हम में कमजोरी हो जाएगी, हमको सेक्स में परेशानी होगी या हमारा ताकत कम हो जाएगा। ये सब जो है अफवाह है, ये सब भ्रांतियां हैं। इसको दूर करना होगा हम लोग को, या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक पुरुषों की भागीदारी जो है पुरुष नसबंदी के लिए लोग कम आएंगे, जबकि ये बहुत ही आसान तरीका है। 4 से 5 मिनट लगता है फिर भी लोग नहीं आते हैं, मन में बहुत तरह का डर होता है, उस डर को खत्म करना होगा हम लोग। जी पैसा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दोनों में दिया जाता है, लेकिन इसके लिए जो है पुरुष नसबंदी में प्रोत्साहन राशि को और बढ़ा देना चाहिए सरकार को। सरकार की तरफ से ये अगर उपाय हो कि इसमें और पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, तो ये हमारे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया होगा। कोविड के कारण चूँकि मरीजों की संख्या काफ़ी घट गई थी अस्पताल में, काउंसलिंग ये सब का काम नहीं हो पाता था, इसलिए परिवार कल्याण का कार्य का जो उसकी उपलब्धि वो कम थी। अब जैसे जैसे आउटडोर खुल गया तो उस हिसाब से पखवाड़ा मनेगा, लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। पुरुष नसबंदी का काफ़ी खराब स्थिति है। पुरुष नसबंदी का तो अभी तक लोगों में नहीं है उतना क्रेज और लोग चाहते नहीं हैं, फिर भी अभी रांची जिले की स्थिति अन्य जिलों से अच्छी है काफ़ी, तो उम्मीद करते हैं कि इस पखवाड़े में हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे। अच्छा सर, ये भी जब इस बार कोरोना के चलते नहीं हुआ है परिवार नियोजन के ऑपरेशंस, तब इसका असर तो जनसंख्या पर ही पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा। तो उसका कोई आंकड़ा है आपके पास सर? नहीं, आंकड़ा तो अभी नहीं मेरे पास, लेकिन जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। लॉकडाउन था, लोगों ने ये परिवार नियोजन की जो विधियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि सारे लोग कोविड बीमारी और जितने हॉस्पिटल थे वो लगभग एक ही तरफ उनका ध्यान था कि कैसे कोविड को रोका जा सके और कोविड बीमारी पर संक्रमण को रोका जाए, उसका इलाज किया जा सके, इसलिए परेशानी भी है।